वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी डार्क सर्कल रिमूव करने की रेमेडी। पर इसके पहले जान लेते हैं डार्क सर्कल हमारे आंख के नीचे काली झुर्रियां क्यों आ जाती हैं। ये कुछ लोगों के तो नेचुरली होती हैं और कुछ लोगों के टेंशन में होने के कारण, अच्छे आहार नहीं लेने के कारण और जब हमारी अच्छे से नींद पूरी नहीं होती है उसके कारण भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। हमें डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर इससे हम कम लेते हैं तो भी डार्क सर्कल हो जाते हैं और अगर 7-8 घंटे से नींद अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने इन सभी चीज़ों में सुधार करनी है। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आप कोई सी भी महंगी से महंगी क्रीम डार्क सर्कल की यूज करेंगे या कोई होम रेमेडी यूज करेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना है। चलिए देख लेते हैं डार्क सर्कल रिमूव करने की रेमेडी। मैं आपको आज 2 रेमेडी बताऊंगी, उसमें से आपको जो इजी या जो आपके पास अवेलेबल है उस रेमेडी को आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एलोवेरा जेल निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। ये मैं इतने से क्वांटिटी में एलोवेरा जेल ले ली हूँ। दूसरी चीज चाहिए हमें बादाम ऑयल। यहाँ मैं हमदर्द का बादाम ऑयल ली हूँ, इसको भी 1 चम्मच ले लेना है। जितनी क्वांटिटी में हम एलोवेरा जेल लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में हम बादाम ऑयल ले लेंगे। इसको चलिए निकाल लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये क्रीम बेस में ना हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये बिल्कुल क्रीमी बेस में दिख रहा है। चलिए हम दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। दूसरी रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, वही पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करेंगे हम। यहाँ इसे 1 चम्मच ले लेंगे और दूसरी चीज हमें चाहिए होगी विटामिन ई कैप्सूल। इसमें पूरा ऑयल इसमें जितना है इसको इस पर निकाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको ऐसे मिक्स करना है। अब चलिए देख लेते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है, आपको यूज कैसे करना है। ये आपके बीच वाले उंगली में क्रीम लेना है। चलिए मैं क्रीम लेके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने क्रीम ले ली है अपनी उंगली पे। अब इसको लगाना कैसे है, इसको आपको अपने डार्क सर्कल एरिया पे लगाना है। चलिए लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस क्रीम को लगाने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर फिंगर में क्रीम लेकर अपने डार्क सर्कल एरिया पर अपने आँखों के नीचे धीरे धीरे मसाज करना है हल्के हाथों से 10 मिनट तक। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है इस तरह से। इस क्रीम को आपको नाइट में डेली यूज करना है। इसके बाद आपको सुबह उठकर ठंडे पानी से धुल लेना है। इस रेमेडी को आप अपने फ्रिज में स्टोर करके 7 दिन तक रख सकते हैं। अभी तो ठंडी है तो आप अपने रूम टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं या कि फिर आप डेली अपने अकॉर्डिंग बनाओ और डेली इसको यूज करो। इस रेमेडी को आपको डेली नाइट में अपने डार्क सर्कल एरिया पर लगाना है। अगर आप इसे यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको 7 दिन के अंदर इसका डिफरेंस समझ में आएगा और आपका डार्क सर्कल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस रेमेडी को यूज करिए, इसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे रेमेडी देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।